मिथ बोलते हैं हम दांतों के बारे में, मुंह के बारे में ऐसी कुछ चीजें सोचते हैं जो हमने सुनी है, हमारे कोई बड़े आए या घर में बुजुर्ग हैं या मम्मी पापा हैं वो बोलते हैं, पर वो सही नहीं है। ठीक है, तो आज मैं उन सारी बातों के बारे में एक एक बात लेके और फिर हम बात करेंगे ताकि आपके दिमाग से वो जो गलत चीज बैठ गई है वो निकल जाए। ठीक, तो अच्छा देखो, सबसे पहले आप सबने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि हमें ऊपर का दांत नहीं निकलवाना चाहिए, उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, है ना? आपको क्या लगता है, ये सही है? आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्योंकि आपको ये लगता होगा ना कि दांत बिल्कुल हाथ के पास होता है, तो जब हम दांत निकालेंगे तो साथ में हमारी आंखें भी डैमेज हो जाएंगी। छोटी-छोटी क्लिप्स, ये बिल्कुल गलत है। कारण पता है क्या? क्योंकि जो हमारी आंखों की नसें हैं वो अलग हैं, जो दांतों की नसें हैं वो अलग है। ठीक है, आप अगर इसको डिटेल्स में पढ़ोगे ना, नेट तो आजकल सबके पास है, हर कोई पढ़ सकता है। आंखों की नस अलग होती है, ऑप्टिक नर्व, दांतों की जो नर्व है वो अलग होती है। तो अगर हम निकालते भी हैं दांत तो आंखों की नसों पे उसका कोई असर नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति, हम इस डर से दांत खराब कर लेते हैं, दर्द में रहते हैं लेकिन दांत नहीं निकलवाते। आज से आपने खुद भी समझना है और सबको समझाना है कि दांत निकालने से कभी भी आंखें खराब नहीं होंगी। ठीक है, तो जब कभी दांत के इलाज की जरूरत है तो हम बिना सोचे ये जा सकते हैं कि भी आंखों पे कोई असर होगा। ठीक, अब ये भ्रांति आपकी क्लियर हो गई, अब तो नहीं रहेगी। अच्छा, एक हम ये कई बार सोचते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, हम यही सोचते हैं ना, चॉकलेट खाएंगे, टॉफी खाएंगे, कैंडीज खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे, बाकी जो मर्जी खा लो उससे दांत नहीं खराब होंगे। ऐसा भी नहीं है, मीठा खाने से तो होते ही है। ठीक है, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं ये तो पक्का है, लेकिन कोई भी चिपकने वाली चीज जो हमारे दांतों पे चिपक जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी, जैसे हम चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, वो चिपक जाते हैं ना और दांत पे बहुत देर तक चिपके रहते हैं, उनके खाने से भी दांत उतने ही खराब होते हैं चाहे वो नमकीन हो। उसका कारण ये है, दांत खराब क्यों होते हैं किसी चीज के खाने से, जब दांत चिप पे कुछ चिपका रहता है। आप सब कौन सी क्लास में हो? आप सबको पीएच लेवल तो पता ही होगा, एक एसिडिक होता है, एक अल्कलाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है ना। तो जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे जो मुंह का पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और हमेशा जो जर्म्स हैं वो एसिडिक पीएच पे हमारे दांत खराब करते हैं। तो जब भी हम कुछ खाएंगे जो चिपका रहेगा तो हमारे मुंह का जो पीएच है वो एसिड रहेगा, और उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एक काम करना होता है, हमें कुल्ला करना होता है, कुल्ला करने से वो न्यूट्रल हो जाता है। तो जब भी कोई चिपकने वाली चीज हम खाते हैं तो हमें कुल्ला जरूर कर लेना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं सोचना कि टॉफीज या चॉकलेट ज्यादा खाएंगे तो ही ऐसा करना है, कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला करें। तो अब ये भी आपके दिमाग से निकल गया ना कि सिर्फ मीठा, हम मीठा नहीं खाएंगे लेकिन चिप्स जितने मर्जी खा सकते हैं, ये सोचते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं है, चिप्स भी लिमिट में ही खाने, और जब भी कुछ खाना है उसके बाद कुल्ला कर लो। ठीक है, ये सेकंड मिथ भी क्लियर हो गया ना, हम मिथ बोलते हैं भ्रांति को। ठीक है, अच्छा दूसरा ये भी आप लोगों ने बहुत, तीसरी अब हम बात पे आए, ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि दांतों की सफाई अगर डेंटिस्ट से करवाएं तो दांत खिलने लग जाते हैं। सुना है ना, सब लोग डराते हैं कि नहीं सफाई मत कराना बिल्कुल भी, दांत हिल जाएंगे, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। उसका कारण जो हमारे दांत हैं, हम अगर प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं कर रहे तो उसके ऊपर कुछ कुछ जमना शुरू हो जाता है, प्लाक बोलते हैं जिसको, है ना, ये पढ़ा होगा आप सबने। फिर वो प्लाक जब हार्ड हो जाता है, जब बिल्कुल अच्छे से नहीं उसको क्लीन करते तो वो सख्त होकर पत्थर की तरह बन जाता है, उसको टार्टर बोलते हैं, टार्टर मतलब कैलकुलस भी बोलते हैं। जब वो जम जाता है तो धीरे 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 क्या होता है, वो उसके अंदर जर्म्स होते हैं, बहुत जो मुंह के हमारे एरिया में जर्म्स है ना वो उसके नीचे कलेक्टेड होते हैं,
तो वो हमारे जो अंदर हड्डी है ना, जिसने दांत को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है स्ट्रॉन्गली, वो उसको धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देती है। वो रिजॉर्प्शन बोलते हैं उसको, वो रिजॉर्व होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे दांत हिलना शुरू हो जाता है। ये रीजन होता है दांत के हिलने का। लेकिन अब ये बोलो कि भाई जब लोग सफाई करवाने आते हैं तो कुछ लोगों के दांत क्यों हिल जाते हैं? ठीक है, आपके दांत पे अभी थोड़ी सी टार्टर है या थोड़ी सी प्लाक है, आप मेरे पास सफाई कराने आओगे और समय से वो साफ हो जाएंगे तो हमारी हड्डी कमजोर नहीं होगी ना, क्योंकि हड्डी तो कमजोर उसी के कारण हो रही है। लेकिन जब लेट स्टेज आ जाती है, मतलब जब वो इतना जम जाता है कि हड्डी कमजोर हो गई है ऑलरेडी, तो उस टाइम लोग आएंगे दांतों के डॉक्टर के पास कि मेरे को ठंडा गर्म लग रहा है, मेरे तो दांतों में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है। फिर भी हम यही बोलेंगे ना कि दांतों की सफाई कराओ, क्योंकि जो नुकसान हम कर चुके हैं आगे ना बढ़े। ठीक, तो उस टाइम जब हम सफाई करवाते हैं तो अंदर से हड्डी खत्म हो चुकी है, तो जब सफाई कराएंगे वो ऐसे ही कैलकुलस ने प्लाक ने उसको पकड़ के रखा था दांत को, वो अगर ना भी सफाई कराते तो थोड़े दिन में निकल जाता। तो वो जब हमने निकाला तो उनको हल्का सा ना सेंसेशन ज्यादा होती है, क्योंकि जो चीज़ ऐसे जमी हुई है वो जब उतरेगी तो वहाँ हवा पानी लगेगा ना थोड़े दिन के लिए, वही होता है। और हम ये सोचते हैं कि सफाई कराने से दांत हिलते हैं, सफाई कराने से कभी दांत नहीं हिलते, दांत हिलते हैं हमारी गलती से, सफाई को डिले करने से। ठीक है, हमें आइडियली 6 महीने या 1 साल में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके दांतों की सफाई जरूर करानी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांत हमेशा ठीक रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसके साथ ही बात ये भी आ जाती है, मैं इसके साथ साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ये भी हमारे दिमाग में सबने डाल रखा है कि भी बुढ़ापे में तो दांत निकलने ही है, यही सोचते हैं ना सब कि बूढ़े होने पर तो दांत निकलने ही है, ठीक है देखी जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक जिंदा हैं, चाहे हम 80 ईयर्स के हो जाए या 90 ईयर्स के हो जाए, हम दांतों को ठीक रख सकते हैं अगर हम उनकी केयर करें। ठीक है, केयर कैसे करेंगे? साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आप यहाँ हॉस्पिटल है 25 में इतना अच्छा वहां जाओ, हर तरह के आपको डॉक्टर, पेस्ट थोड़े कॉस्टली ये वो सब तरह के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से जिसके पास जाना चाहते हो जाओ, उनको चेक करो। अगर कैविटी है, कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी मीन्स जो हम जिसको हम बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगा हुआ, उसको टाइम पे भरवा लो, वो ज़्यादा खराब नहीं होगा। और उसके बाद दांतों की सफाई टाइम से करवा लो, वो ठीक रहेंगे, हिलेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, सारा इलाज समय पे होता रहेगा, तो फिर हमारे दांत क्यों जड़ेंगे बताओ? जड़ेंगे, जड़ते तो इसलिए क्योंकि हम उनको समय पे क्या नहीं कराते, इलाज नहीं करवाते। ठीक है, जो भी चाहिए, चाहे उसको कीड़ा लगा है, अच्छा आपको ना ये तो नहीं है दिमाग में कि सच में कोई कीड़ा होता है जो दिखता है, ऐसा नहीं होता, दिखता नहीं है वो जर्म्स होते हैं। ठीक है, वो जो जर्म्स होते हैं ना, वो हमारे दांत के ऊपर की जो सतह होती है जिसको इनामल बोलते हैं, वहां से शुरू करेंगे और खाना शुरू करते हैं, डीमिनरलाइज करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे करते करते नीचे पहुंच जाते हैं। दांत की 3 लेयर्स होती हैं, इनामल, डेंटिन, पल्प। पल्प में नसें होती हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो हमें दर्द होना शुरू होता है। तो एक और भ्रांति आ गई अब हमारे पास, क्या भ्रांति आई? पहले वाला क्लियर हो गया कि हमारे दांत पूरी जिंदगी हम सही सलामत रख सकते हैं अगर हम चाहें। ठीक है, कैविटीज आ जाती हैं, हम ध्यान भी रखें तब भी आ जाती हैं, पर उनको समय से ठीक करवा लेना चाहिए। ठीक है, सफाई करवा लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये आता है कि हमें ये लगता है कि हमें दांतों के डॉक्टर के पास तब जाना है जब दांत में दर्द है, यही सोचते हैं ना हम लोग, उसके बिना तो हमें लगता है हमारे दांत तो एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है ना। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ठंडा गर्म ही नहीं लग रहा, कोई दांत में दर्द नहीं हो रही, हम क्यों दांतों के डॉक्टर के पास जाएं? पर आपको ये बात पता है, जो हमारे दांत हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उसकी 3 सतह होती है, इनामल, डेंटिन और पल्प, यही होती है ना, ये भी जरूर किसी ना किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, ये 3 सतह होती है।
जो कीड़ा लगता है जिसको हम कैविटी बोलते हैं, वो ऊपर की सतह से शुरू होती है, उसके बाद दूसरी सतह में जाती है जिसको डेंटिन बोलते हैं, उसके बाद सबसे अंदर जहां नसें होती है। तो जब वो ऊपर की दो सतह में होती है, मतलब इनामल और डेंटिन में, तो हमें दर्द नहीं होता, कोई ठंडा गर्म नहीं लगता। उस टाइम पे बस कैविटी स्टार्ट हो गई है पर उसका कोई सिम्टम नहीं आया है। और जब सिम्टम आता है, सबसे पहले मीठा लगना शुरू होगा, फिर आपको ठंडा, फिर गर्म, फिर दर्द, तब वो नसों पे पहुंच गया। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ भी हो, ऐसे हाथ लगा लो, ये फीलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि नर्व्स है, है ना, नसें हैं जो हमें फीलिंग दे रही है। तो दांतों की नसें जब फीलिंग देती है तो कैविटी डीप हो चुकी होती है और गहरी जा चुकी होती है। उस टाइम इलाज तो है लेकिन दांत खराब ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और डैमेज ज्यादा हो गया है, इलाज भी थोड़ा फिर बड़ा होगा, महंगा भी होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, दांत भी डैमेज हो चुके होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें टाइम से, अगर हम दांतों के डॉक्टर के पास चले जाएंगे जस्ट रूटीन चेकअप के लिए कि डॉक्टर साहब आप देख लो कहीं कोई कैविटी स्टार्ट तो नहीं होगी या कोई मसूड़े मेरे खराब तो नहीं होने शुरू हो गए, तो आपको इतना बड़ा इलाज और इतना डैमेज अपने दांतों का नहीं देखना पड़ेगा, उससे पहले ही ठीक हो जाएंगे वो, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया ना कि सिर्फ तब नहीं जाना है जब दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो, साल में एक बार रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए क्या क्या है। अच्छा, एक ये है, कभी कभी हम लोगों के मसूड़ों से खून भी निकलता है, किसी ने सुना होगा या देखा होगा, क्या कारण हो सकता है बताओ? ब्रश, ये सबसे बड़ी भ्रांति, ये तुमने अपने मुंह से बोल दी भ्रांति, ब्रश करने से कभी खून नहीं निकलता, निकलता है ठीक है, पर रीजन क्या है? मैं ब्रश करती हूँ तब तो खून नहीं निकलता, ये करते हैं तो नहीं निकलता, आप करते हैं तो निकलता है, क्यों बताओ? क्योंकि हमारे मसूड़ों में जब प्लाक जम जाती है या टार्टर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे जो मसूड़े हैं ना वो फूल जाते हैं, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जो ऐसे फूले हुए मसूड़े होते हैं उनपे जब कुछ भी टच होगा ना तो खून निकलेगा। आप एप्पल खाओगे ना तो भी खून लग जाएगा, आप कुछ भी टच करोगे खून लगेगा, तो ब्रश करेंगे तो खून लगेगा ही ना, ब्रशिंग करने से खून लगता है, और हमें लगता है कि हमने ब्रश किया है इसलिए खून आया, खून इसलिए आया क्योंकि हमारे दांत ठीक, हमारे मसूड़े ठीक नहीं, मसूड़ों की सफाई होने वाली है। और हम क्या करते हैं, हम ब्रशिंग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं इस डर के मारे कि खून ना निकले और खून ना निकले। जितना हम ब्रश कम करते जाएंगे उतनी प्लाक बढ़ती जाएगी, उतना कैलकुलस बढ़ता जाएगा, रीडिंग और बढ़ती जाएगी। हाँ वो अलग बात है, ब्रश करने से जो मुंह में आ रही है वो नहीं आएगी, पर इन्फेक्शन तो ठीक नहीं हो रहा ना। उल्टा ब्रश ना करने पे ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम और बढ़ती है, ठीक है। तो ब्रश से जब मसूड़ों में खून आए घबराना नहीं है, ब्रशिंग बंद नहीं करनी है, ब्रशिंग करते रहना है, उस खून का कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो आपको एक इंडिकेशन है कि अब आपके मसूड़ों में इलाज की जरूरत है, ठीक है। ब्रशिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी, ब्रशिंग वैसे ही करते रहना, तो आपने बस दांतों के डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाना है, वो उसका इलाज कर देंगे तो आपका खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन ब्रशिंग नहीं छोड़ इस डर से कि खून निकले, आ गया समझ कि खून क्यों निकलता है और ब्रश बंद नहीं करना है जब ऐसा हो, ठीक है। और दूसरा, कई बार हमें ये लगता है कि अगर हम बहुत लंबे टाइम ब्रश करेंगे और हार्ड वाले ब्रश से ब्रश करेंगे तो हमारे दांत ज्यादा अच्छे साफ हो जाएंगे, ऐसे लगता है ना सबको, है ना, ये बिल्कुल उल्टा है। एक तो ब्रश सिर्फ 3 से 5 मिनट करता है, 3 या 4 मिनट बहुत सफिशियंट होता है, ठीक है। ब्रश करने का सही तरीका मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली जो है ना वो ब्रश ऐसे हॉरिजॉन्टली करते हैं, वैसे नहीं करते, मैं अच्छे से भी बताती हूँ कि कैसे करना है। एक तो ब्रश 3 से 5 मिनट करना है और सॉफ्ट ब्रश से,
सुपर सॉफ्ट है। सुपर सॉफ्ट बहुत सी कंपनीज के आते हैं, ओरल बी का भी आता है, कोलगेट का भी आता है, बहुत सी कंपनीज के आते हैं। एक सॉफ्ट आता है, एक मीडियम आता है, एक हार्ड आता है। मीडियम और हार्ड नहीं यूज करें, सॉफ्ट और सुपर सॉफ्ट यूज करें, क्योंकि सॉफ्ट ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो ही आपके मसूड़ों में अच्छे से सफाई कर पाएंगे। हार्ड ब्रश सिर्फ ऊपर की सतह है जिसको इनामल बोलते हैं ना, उसको घिसाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो हार्ड और मीडियम ब्रश से किसी ने ब्रश नहीं करना, जिसने भी ब्रश करना है वो सॉफ्ट से करना है, सही तरीके से करना है, 3 से 5 मिनट के बीच में करना है और 2 बार करना है, ठीक है। अब कई बार हमें ऐसे लगता है घड़ी देख के हम करें ना, हम 1 मिनट तक टिक टिक ब्रश करते हैं, हमें लगता है 5 मिनट हो गए, ऐसे नहीं, घड़ी देख के, ठीक है, अपना टाइमर देख लो कि मैंने 3-4 मिनट ब्रश कर लिया कि नहीं कर। घड़ी देख के ब्रश करोगे 3 से 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो भी सही तरीके से। सही तरीका हम बाद में करते हैं, बट आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे 3 या 4 मिनट निकालना ना बहुत मुश्किल है, ब्रश करे जा रहे हैं, हम थक जाते हैं, सुबह वैसे भी लेट उठते हैं। जल्दी उठते हो कि लेट उठते हो स्कूल आने के लिए? बराबर भाग भाग के ब्रश मारा है ना और निकल लिए, ऐसे नहीं करना बेटा। 5-4 मिनट अपनी ज़िंदगी के सुबह के टाइम अच्छे से दे दो, पूरी ज़िंदगी दांत सही रहेंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्रश पे पेस्ट लगाओ। पेस्ट जो है ना वो सिर्फ एक मटर के दाने जितना लगाओ, पूरा भर के लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, अच्छे से प्रेस करके। उसके बाद जो मैं तरीका बताऊंगी उससे करा, सारे एरियाज को करा ब्रश, एक बार थूक लिया, खुला करा, फिर से थोड़ा सा पेस्ट लगाया, दोबारा ब्रश किया। 2 बार ब्रश करेंगे, जैसे आपके जो हाथ है वो मिट्टी में जब गंदे हो जाते हैं, आप एक बार धोते हो तो आपको लगता नहीं अभी थोड़े से गंदे और हैं, फिर आप दूसरी बार जब धोते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ अब बिल्कुल साफ हो। तो जब एक बार हमने ब्रश करके स्पिट कर लिया, खुला कर लिया, तो आपके मुंह से एक बार सारे जर्म्स निकल गए, फिर सेकेंड ब्रशिंग जो होती है ना वो बड़ी साफ हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ब्रश बहुत लंबे टाइम घिस घिस के नहीं करना, सही तरीके से करना, 3 से 5 मिनट के बीच में करना, दिन में 2 बार। उसके अलावा जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम जब भी कुछ खाएं तो खुला कर लें, ठीक है ना, खुला कर लेते हैं तो वैसे ही हमारा पीएच न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे दांतों में कैविटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए कुछ बचा, कई बार ये लोग भी बोलते हैं कि अरे यार डेंटिस्ट के पास गए, एक दांत का इलाज करा, मेरे सारे दांत खराब हो गए, बोलते हैं ना कई लोग, एक दांत दिखाने गए थे वहां तो 10 दांत खराब निकले, तो दांतों के डॉक्टर के पास नहीं जाना भी, उससे तो बीमारी बढ़ जाती है। ऐसी नहीं है बेटा, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था ना कि हमें बीमारी का पता ही नहीं होता, हमारे दांतों में कैविटी स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं है। नीचे के दांत में तो शायद दिख भी जाए, ऊपर के पीछे के दांतों में तो आपको खुद से दिख भी नहीं सकता कि किस दांत में कैविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो तो आपको सारी प्रॉब्लम्स बताएगा ना कि ये दांत में प्रॉब्लम है, ये होने वाला है, तो वो इसलिए नहीं पड़ा कि आप डॉक्टर के पास गए, वो तो आपके दांत खराब ही थे, ठीक है। और कई बार ये भी हम सोचते हैं कि एक दांत से दूसरे दांत में बीमारी ट्रैवल कर जाती है, ऐसे नहीं है। एक दांत से दूसरे दांत में ट्रैवल उसी केस में करेगी जैसे दो दांतों के बीच में कहीं खाना फंस रहा है, ठीक है, तो उस खाना फंसने से इधर वाले दांत में भी कैविटी हो जाएगी, उधर वाले दांत में भी कैविटी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो चिपका रहेगा। लेकिन एक दांत से दूसरे में ट्रैवल करके नहीं जाती, जो दांत खराब है वही खराब है, बस उसी का इलाज करवाने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब ये चीज भी आपके दिमाग में नहीं रहेगी ना। और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि जैसे बाकी बीमारियां ना, कोई बुखार चढ़ा, हमने दवाई ले ली और वो ठीक हो गई, ऐसे ही हम दांतों के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दे दी और ठीक हो गया। दांतों के इलाज में ये चीज नहीं, दवाई लेनी है शुरू में एक बार दर्द ठीक करने के लिए, लेकिन जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, जो तकलीफ है, जैसे कैविटी है तो कैविटी को भरवाना पड़ेगा,
मसूड़े खराब है तो सफाई करवानी पड़ेगी, दांत निकल गया है तो उसको लगवाना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम है दवाई लेके जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। हम एक बार दर्द ठीक हो जाती है आराम से घर में बैठ जाते हैं कि देखी जाएगी अब तो दर्द ठीक हो गया, अब जाने की जरूरत है, दो महीने बाद फिर दर्द शुरू हो जाती है, तब तक क्या होती और बढ़ जाती है। फिर जो चीज़ सिंपल रूट कैनाल या ये सब आप सुनते रहते हैं ना, RCT करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, उससे हो सकती है दांत निकालना पड़ता है, दांत भी नहीं निकलवाएंगे नीचे कई बार सॉली बन जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना, उसको पहले जाओ दवाई खाओ, ठीक भी हो जाए दर्द तो भी जाके जो इलाज होने वाला है वो जरूर करो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही सब चीज, यही भ्रांतियां हमारे दिमाग में होती है, अगर किसी की कोई और है तो बता दो, मैं उसको भी क्लियर करती हूँ। कोई और है आपके दिमाग में बात जो आपने सुनी है पर आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बोली? हाँ जी बेटा, बेटे जब हमारा जो दांत खराब होता है ना या मसूड़ा खराब होता है उसकी जड़ के नीचे पस पड़ जाती है, जब भी इन्फेक्शन होता है, मैंने आपको बताया ना तीसरी लेयर में पहुंचती है, नर्व्स में पहुंच जाती है, नर्व्स में पहुंच के वो नीचे जाके उसके नीचे से इन्फेक्शन कॉज कर देती है, तो वो जो नीचे पस पड़ी हुई है ना, पस हमेशा सोजिश की फॉर्म में आती है, ठीक है। जब वो पस खत्म हो जाएगी तो सोजिश खत्म हो जाएगी, बट जब भी इन्फेक्शन होता है दांत में तो अगर उसकी जड़ के नीचे पस बहुत बढ़ गई है तो वो मुंह में सूजन आ जाती है उसके बाद, ठीक है। और भी कुछ पूछना चाहते हो फिर मैं बताती हूँ ब्रशिंग कैसे प्रॉपरली करनी है, ठीक है। हिमानी वो देना हमको पोस्टर, पोस्टर नहीं, मैं इसलिए बताती हूँ, पोस्टर लेके खड़े हो जाओ, हाँ ये वाला भी इधर लगा दिखा, ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ दूर से जितना दिखे, या पास एक बार ले जाके दिखा देना, पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमारे समझो ये नाम है, दिख रहा है ना सबको, हमने दांत की हर सतह को साफ करना है, ठीक है, ये नहीं कि बस बाहर बाहर से किया। और जो सबसे गलत तरीका जो हम सब करते हैं, क्योंकि ये मुझे सबको समझाना पड़ता है जो भी मेरे पास इलाज कराने आता है, हम लोग सब ऐसे ब्रश करते हैं, यही तरीका इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल गलत। इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो दांतों की सफाई नहीं होती है अच्छे से, दूसरा हमारे दांत और मसूड़े की जो जंक्शन होता है ना वो घिसना शुरू हो जाता है, वहां पे कैविटीज बननी शुरू हो जाती है, एब्रेशन बोलते हैं, उससे वो होना शुरू हो जाता है। हमने ऐसे नहीं करना, हमने ऊपर वाले दांतों के लिए ब्रश को 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री अंदाजन ऐसे मसूड़े और दांत की जंक्शन पे रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये ऊपर वाले दांत की बात कर रहे हैं, ऐसे ही नीचे भी मसूड़े और उसके जंक्शन पे इस तरह से रखना है, ठीक है। और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, क्यों, मसूड़ों की उल्टी तरफ जाना। अगर आप ऐसे करेंगे ना, मसूड़े दांत को छोड़ के नीचे नहीं जाएंगे, कवर करके रखेंगे, ऐसे 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 एक तरफ से शुरू हो जाओ, पहले ऊपर के कर लो फिर नीचे के कर लो। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है, शुरू में लगता है, जिसको आदत नहीं होती उसको लगता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा क्योंकि मुझे पता है ये सही तरीका है, तो आप सर्कुलर भी कर सकते, ठीक है, ऐसे गोलाई में। बच्चों के लिए ये ज्यादा ईजी होता है, पर आप तो बड़े हो गए ना, आपको तो प्रॉपर मेथड आना चाहिए जो मैंने पहले बताया, बट सर्कुलर भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं करना बिल्कुल, ठीक। बाहर की तरफ से हो गया, बिल्कुल सिमिलरली अंदर भी करना है, ये जो जगह है इसके लिए भी ऐसे रख के नीचे से ऊपर, ठीक है, ऐसे आएगा ना हाथ हमारा नीचे से ऊपर, और ऊपर वाले दांतों के लिए ऐसे रख के ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये जगह, ये इस पे ऐसे नहीं करना, इसमें भी हमने मसूड़ों को बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, और ये ऊपर के लिए ऐसे, ये जो काटने वाली सरफेस है जिनसे हम दांत काटते हैं चबाते हैं, सिर्फ उनको हॉरिजॉन्टल कर सकते, ठीक है, उनको ऐसे करना, ऊपर वाले दांतों के लिए ऐसे करना, ठीक है, हो गया।
सो इस तरह से हमने सारी सरफेसेस साफ करी, ये नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर किया और छोड़ दिया। तभी आप लोग कभी भी देखना कि आप बाहर की सफाई फिर भी कर लेते हो, अंदर की सफाई नहीं होती। हमेशा जो डिपॉजिट होते हैं, जो प्लाक होती है, वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इस एरिया में सबसे ज्यादा होती है, उसका भी कारण है यहाँ पे ना हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे टेंडेंसी ज्यादा होती है जमने, तो इस एरिया को तो साफ करना ही है, ठीक है। इस तरह से अच्छे से अगर हम ब्रशिंग करेंगे ना, घड़ी देखेंगे ना, फिर भी 2 मिनट ही गुजरे होंगे, 2 या 2.5 मिनट, फिर से कुल्ला करके फिर दोबारा कर लो। कम से कम सुबह और रात जो 2 ब्रशिंग्स करनी है, 1 ब्रशिंग इतनी अच्छे से करनी, रात वाली नहीं मन करा, मैं तो कहती हूँ कि रात को भी ऐसे ही करो, लेकिन फिर भी अगर नहीं मन करा तो एटलीस्ट 2 में से 1 टाइम तो ऐसी ब्रशिंग करनी ही करनी है। पूरी लाइफ आपके दांत बिल्कुल सही रहेंगे, कोई नहीं जड़ेंगे, कोई मसूड़े खराब नहीं होंगे, कोई डिपॉजिट नहीं होगा, अगर आपको याद रहे ये सारी बातें जो आज हमने डिस्कस की, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो भ्रांतियां हैं आप में नहीं, आपके पेरेंट्स, घर में सबको होती हैं। तो आप अब जब भी कोई आपसे पूछे या इस बारे में बात करे तो आप उनको समझा सकते हो ना कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, हमें ये नहीं ये करना है ना। तो आज से आपने अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान, ट्रांसफर हो रही है ये सारी जो बीमारी है, अगर हम अपने इसको क्लीन रखेंगे, माउथ वॉश करेंगे, ब्रश प्रॉपर करेंगे, तो हम स्वॉलो नहीं करेंगे ना कोई भी चीज़ अंदर, हमारी बीमारी यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपनी हर पूरे शरीर की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, जितनी नहाना हाइजीन इम्पॉर्टेंट है उतना ही ओरल हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है, उसको हमेशा ठीक रखना है हमने, और सबको दिखाना है कि हम कितने अच्छे अपने साफ सुथरे दांत रख सकते हैं और कितनी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ सब सब समझ आ गया? किसी को कोई पूछना हो कुछ? बोरिंग तो नहीं लगा? थैंक यू।